हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, साल में इतने गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकलते हैं, आप सभी लोग उसमें अप्लाई करते हैं। हर फॉर्म के लिए अलग अलग साइज की फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती हैं। तो कैसे फोटोग्राफ्स को क्रिएट करना है घर बैठे बैठे फ्री में विद इन 5 मिनट्स, वो हम सीखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ वो SSC एग्जाम्स से रिलेटेड देने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट SSC एग्जाम्स से जुड़े हुए हैं और उसमें एक फिक्स पैटर्न अभी चल रहा है फोटोग्राफ का, वो हम देखेंगे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है 29 अप्रैल 2022, इन फ्यूचर SSC ने अगर कोई चेंज करें, ठीक है, कि फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशंस में या गाइडलाइंस के अंदर, तो आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड करें, उसके बाद सेम तरीका आप समझ जाओगे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से अपनी फोटो क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं SSC एग्जाम्स के अंदर। SSC का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि जो आपकी फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जब भी नोटिस निकल रहा है फिलहाल, लेकिन फोटो पे डेट प्रिंट होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। पहले होता था कि फोटो पे डेट होनी चाहिए, अब ऐसा नहीं है, नॉर्मल फोटो होनी चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, SSC का कहना है। बाकी वो किसी भी तरीके से पता नहीं लगा सकते कि आपकी फोटो 3 महीने से पुरानी है या नहीं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि लेटेस्ट की खींच के साथ साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SSC में जो फोटोग्राफ आप लगाते हैं वो फोटोग्राफ आगे आपको कहीं जरूरत पड़ती नहीं है उसकी। ठीक है, जब DV होगा तो आप दूसरी फोटोग्राफ लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में। जो विड्थ होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर। अब ये विड्थ और हाइट का क्या सीन है वो हम समझते हैं। मान लो आपके पास क्या ही फोटोग्राफ आपने ऐसी देखी, ठीक है, तो चौड़ाई इसकी 3.5 होनी चाहिए और अगर हाइट की बात करूं, हाइट होनी चाहिए इसकी 4.5। अब इसका क्या मतलब है, देखो बेसिकली सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, यहाँ पे आप वो देख लें कि रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर विड्थ और हाइट का रेशियो देखता हूं मैं, 0.5 से काट दूंगा तो ये 7, या फिर दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास ये 7:9 आ जाएगा, तो ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, जब आप फोटोज क्रिएट करेंगे या पिक्सल वगैरह सेट करेंगे तो 7:9 कैसे करेंगे आप, ठीक है, इसी रेशियो में मेंटेन रखना है विड्थ और हाइट को। अब इसमें 7 से आप किसी भी को मल्टीप्लाई कर दे, 7 से 40 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 280 आ जाएगा अपने पास, और इसे भी अगर इसे 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आ जाएगा, तो इस पिक्सल की आप फोटो रख सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेंटेन होना चाहिए, हमारा मेन मकसद ये है बस। ठीक है, जो सिग्नेचर होना चाहिए वो भी JPG फॉर्मेट में 10 से 20 KB का होना चाहिए। इमेज डायमेंशन क्या होनी चाहिए, विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट अपनी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब विड्थ और हाइट का रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे विड्थ अगर 2 रेशियो है तो हाइट अपनी कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो। ठीक है, तो अगर पिक्सल्स में रखना है तो इसे 200 पिक्सल रख लिया, इसे 100 पिक्सल रख लिया तो आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इलेजिबल सिग्नेचर होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, फोटो ब्लर होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। तो फोटोग्राफ आपकी ठीक ठाक खिंची होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम देखेंगे। और SSC में बहुत सारे फॉर्म इस बार रिजेक्ट हुए हैं। अगर SSC CGL 2021 की बात करूं तो रायपुर रीजन से 8129 कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर मैं CR रीजन की बात करता हूँ, सेंट्रल रीजन, ठीक है, UP बिहार, तो यहाँ पे अपना जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो 20352 लोगों का रिजेक्ट हुआ है। और नॉर्दर्न रीजन से, दिल्ली साइड से आपके जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो 27577 हुए। अगर ओवरऑल इंडिया का देखूंगा मैं तो लगभग 80,000 के आसपास हो सकता है कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं टोटल। और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, 20 लाख ने, मतलब 4% जनता का फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा इस बार। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो फोटो और सिग्नेचर सही से करनी चाहिए हमें अपलोड। ठीक, SSC में जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, ये सारी फोटोज अलाउड नहीं है, चश्मे के साथ फोटो कहीं नहीं डालनी है आपको, छोटी फोटो इतनी छोटी सी डाल दी तो रिजेक्ट हो जाएगी, साइड देख रहे हो तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उल्टी आ गई फोटोज तो रिजेक्ट हो जाएगी, बट ब्लर हो गई तो रिजेक्ट हो जाएगी, ज्यादा डार्क फोटो खींच दी तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी दे रखा है यहाँ पे, देखो क्लियरली मेंशन है ये सारी की सारी चीजें। दी फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल चश्मा नहीं पहना चाहिए आपको। अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतार के फोटो खींचनी है और दोनों कान आपके दिखने चाहिए वहां पे। ठीक है, इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए अब हम फोटो क्रिएट करेंगे। तो अब मैं क्या आता हूँ, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। आपको यहाँ पे मेरा दिखेगा मोबाइल, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है। कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आप Adobe प्रीमियर सर्च कर लें यहाँ पे। ठीक है, Adobe प्रीमियर सर्च करके ये पहले वाली जो लिंक दिखेगा आपको, फोटोशॉप एक्सप्रेस, ठीक है, फोटोशॉप एक्सप्रेस फोटो एडिटर, आपको ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है।
81.55 MB की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब भी अगर आपके पास लेटेस्ट फोन्स हैं ठीक, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है, तो मैंने टाइम निकाला, देखा कैसे करना है। मैं जनरली पीसी में करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज होते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो मोबाइल में कैसे एडिट करना है वो, ठीक है। आप पे अच्छा मोबाइल है, आप अपने दोस्त के मोबाइल में भी ये काम कर सकते हैं। ओपन कर लिया इसे, इसके बाद नेक्स्ट 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 करते हुए कंटिन्यू करेंगे, लॉगिन पूछेगा। तो आप फेसबुक में अगर आपने लॉगिन कर रखा होगा तो फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, वरना किसी भी तरीके से आप लॉगिन कर लें इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फेसबुक से अभी लॉगिन कर लिया, ठीक है। स्टोरेज की परमिशन मांगेगा, तो कंटिन्यू कर देना और यहाँ पे फिर ओके कर देना, और यहाँ पे अलाउ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलाउ कर दिया, ये सारी की सारी फोटोज आ जाएंगी। अब जैसे अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी फोटोज आप यहाँ पे साथ के साथ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल फोटोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा, साथ के साथ फोटो भी खींच सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वापस जो मैंने एक फोटो खींच ली थी अपने भाई से, ऐसी खिंचवा ली थी मैंने, कहा देख लेते हैं। तो ये वाली कोई भी फोटो जो आपके फोन में, अच्छी सी एक खींच लेना जिसमें आपका चेहरा पूरा क्लियर आ जाए, दोनों कान दिख जाए, ठीक है, और बैकग्राउंड लाइट हो। तो ये एक फोटो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये वाला कान थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आप सही से खिंचवा देना। ये समझाने के लिए बस ऐसी रैंडम मैंने पिक सुबह सोकर उठ के खींची थी, तो मुंह भी सुधा रहा है, नींद में ये फोटो खींची गई थी, ठीक है। अपने अपने ये फोटो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, ये नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्रॉप वाला ऑप्शन जनरली से बोलते हैं, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ये सारा यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसमें ना मैनुअली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रेशियो, तो रेशियो में ऐसे स्क्रोल करते जाएंगे आप, उसके बाद कस्टम पे चले जाना, ये है ना कस्टम, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो ये बीच वाला दिख रहा है ना, अगर इसे चेंज करना पड़ेगा, अगर हम इसे चेंज नहीं करेंगे, मान लो विड्थ है, मुझे क्या चाहिए 7:9 चाहिए, तो मैंने मान लो विड्थ को क्या कर दिया यहाँ पे 7 × 280, मैंने 320 कर दिया फिलहाल, या 240, 7 × 40, 280, ठीक है। अब ये हाइट अपने आप ही सेट हो रही है, इस हाइट को अपने आप नहीं सेट करना, क्योंकि हमें अपनी मर्जी की हाइट चाहिए। तो मैं इसमें बीच वाले पे क्लिक कर दूंगा, बीच वाले पे क्लिक कर दिया, ये हट गया। मैं हाइट भी अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ, आप देखेंगे। अब मैं हाइट को यहाँ पे कर देता हूँ 7 × 40, 280 था, तो 9 × 40, 360, रेशियो मेंटेन होना चाहिए हमारा 7:9 का, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, अब आप देखेंगे बाउंड्री आ गई ना, ये इसी हिसाब से बाउंड्री बनी है चारों तरफ, जो जिसमें रेशियो मेंटेन है। अब इसे थोड़ा सा छोटा करते चले जाएं अपने हिसाब से, जितनी आपको फोटोग्राफ चाहिए। मेन आपको फेस चाहिए, ठीक है, क्लियरली होना चाहिए, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए तो दोनों कान देख लेंगे, ठीक है। इसे और छोटा करना चाहें, ज्यादा फेस पे फोकस रखना चाहें तो इतना, ठीक है, इतना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ऐसी SSC ने जो दे रखा था वैसी फोटोग्राफ थी, तो मैं इसमें कर देता हूँ नेक्स्ट। हमने कर दिया नेक्स्ट और हमारा हो गया काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे सेव टू गैलरी पे अपने को क्लिक करना है, और ये हमारी फोटो हो गई तैयार, ठीक है। अब मैं इसमें गैलरी में जाके आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। अब हम आ गए अपनी गैलरी में, ठीक है, ये रहा ये, ठीक है। अब ये गैलरी में देखो फोटो दिख रही है, ये बिल्कुल ठीक ठाक फोटो है, ठीक है, इसका पिक्सल फटे हुए नहीं है, ठीक है, ब्लर फोटोग्राफ नहीं है, ठीक फोटोग्राफ बन गई। अपना इसका साइज दिखाता हूँ मैं आपको, डिटेल्स में गए और अगर हम इसका साइज देख रहे हैं, इट इज 48 KB, 48 KB की फोटोग्राफ है। SSC में कितनी मांगता है, 50 KB, ठीक है, 50 KB तक अलाउड होता है, तो ये फोटो चल जाएगी। बाई चांस आपकी फोटो क्या आ रही हो, इससे 48 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, तो पिक्सल आप क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ वापस वहीं पे, ये आपकी चल जाएगी 48 KB की, बहुत अच्छी फोटोग्राफ बनी है, 50 के आसपास रहेगी तो अच्छी क्वालिटी रहेगी, वरना 20 से 50 KB में कुछ भी हो सकता है। अगर ये 50 क्रॉस कर जाता है तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। मैं वापस अपनी एप्लीकेशन में जाऊंगा, ये मेरी एप्लीकेशन थी, मैं पीछे गया, इसमें जो कस्टम में गया था मैं, यहाँ पे 280 की जगह मैं कम या ज्यादा भी कर सकता हूँ, रेशियो बस मेंटेन होना चाहिए। से मैंने इसे 280 की जगह कर दिया, 7 को हमने यहाँ पे भी 40 से मल्टीप्लाई करा था, 7 को अगर 35 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये 245 हो जाएगा अपना, और हाइट अपनी कितनी हो जाएगी, 9 को अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 315 आ गई। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये अप्लाई हो गया अपने पास, साइड में दोबारा चेंज कर रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट करा, सब कुछ सेट था, ये सेव टू गैलरी कर ली। अब गैलरी में जाके इस फोटो का देखता हूँ मैं कि कैसी आ रही है। ये अपनी नई वाली फोटो क्रिएटेड है, थोड़ा सा क्योंकि साइज कम कर दिया तो थोड़ी सी ये ब्लर दिखेगी एज कम्पेयर टू लास्ट वन, बट इतनी भी चल जाएगी SSC में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी डिटेल्स देखता हूँ तो इसका साइज थोड़ा सा कम हो गया होगा, आप देखेंगे जो ये साइज फोटो बनी है 39.79 KB की है,
इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप, अप या डाउन करेंगे, आपकी फोटो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, इसी फोटोग्राफ को अगर मैं अपलोड करना चाहूं तो एक काम करता हूं, मैं इसे ड्राइव पे अपलोड कर देता हूं और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि एसएससी की वेबसाइट पे ये अपलोड होके कैसी लगेगी। ठीक है, मतलब गूगल ड्राइव पे आप किसी भी तरीके से, आप व्हाट्सएप पे भी ले रहे हैं तो फाइल एज अ फाइल शेयर करना, किसी और तरीके से नहीं। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप अपने आप कंप्रेशन होता है, उससे छोटा हो जाएगा। तो ये मेरे पास दो फोटोग्राफ्स अभी बनी है, एक अपनी 49KB की, एक 40KB की है। मैं ये मैंने 49KB की फोटो 40KB की फोटोग्राफ अपलोड करी है, ड्राइव पे अभी देख लेंगे। और यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, दोनों फोटो अपने अपलोड कर लिए। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसे, ठीक है, यहां से ये हो गई डाउनलोड, एक ये फोटोग्राफ डाउनलोड हुई है। ये दोनों एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और मेरे पास एक फोटो है, ठीक है, एक हमारी 49KB की थी, एक अपनी 40KB की थी। अब SSC MTS का भी फॉर्म खुले हुए हैं तो मैं इसमें अपलोड करके दिखा रहा हूँ, बोल दो मैं फॉर्म नहीं फिल कर रहा, बस दिखा रहा हूँ। मैंने चूज फाइल करा, यहाँ पे तीनों की तीनों फोटो है अपनी, ये वाली फोटो आप देखेंगे यहाँ पे, इसका साइज ये 49KB वाली है। ओपन करता हूँ मैं, देखो ये पूरी की पूरी अपनी फोटोग्राफ एज इट इज यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये वाली फोटोग्राफ है, ये 49KB की थी, 49KB वाली बेटर है क्योंकि ये अच्छा कि ज्यादा क्लियर होगी जितना बड़ा साइज होगा। ओपन, जो फोटोग्राफ का साइज है अपना यही होना चाहिए, ठीक है, 20KB से 50KB में ये वाली करी तो ये वाली भी अपलोड होगी, ये ठीक ठाक फोटोग्राफ है। आप देख लेना बस दोनों कान ढंग से विजिबल हो, चश्मा ना लगा रखा हो, जैसे ही चश्मा तो नहीं लगा रखा लेकिन ये वाला कान क्लियरली विजिबल नहीं है, आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। ठीक है, बैकग्राउंड लाइट हो लेकिन ये फोटो चल जाएगी, इसे कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगी आपकी। और जब बाद में फॉर्म पूरा फिल कर दें, कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें देख लें कि क्लियर आ रही नहीं आ रही फोटोग्राफ। ठीक है, साइड में स्पेस वगैरह ना बचे, वो छोटा ना पड़ रही हो फोटो, ये सारी चीजें आप एक बार वेरीफाई कर लें। ठीक है, ये हो गया अपना फोटोग्राफ। ऐसे ही आप सिग्नेचर का भी कर सकते हैं, मैं सिग्नेचर का भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, ये मेरे पास फिर से मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है। यहाँ से आया मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन पे, आया फोटो शॉप एक्सप्रेस पे, वापिस गया डोंट सेव क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ पे रैंडमली आपने क्या करना है, मान लो देखो मेरे पास ये साइन की फोटोग्राफ है, ये मैंने एक पेज पे ऐसे ही रैंडमली खींच के रख ली। ठीक है, आगे पीछे की चीजों पर नजर ना दें। अब मैं दोबारा इस पे किस पे क्लिक करूंगा, क्रॉप वाले पे, इस पे क्रॉप वाले पे क्लिक कर दिया। अब इसमें सबसे पहले तो रोटेट कर दो, ये घुमा हुआ फाइन है तो इसे सही आना चाहिए, सीधा आना चाहिए, तो अपना ये सीधा हो गया। और इसके बाद डाइमेंशन भी अपने को थोड़ा सेट करना है, ये ड्रैग करके यहां से हो जाता है। ठीक है, अभी लेकिन वो वाला नहीं है, एसएससी वाला, एसएससी को जो चाहिए वो हमें सेट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो पे जाएंगे, अभी मैं रोटेट पे चला गया था, और एक्सपेक्ट रेशियो में आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से क्या आ गया तो बीच वाले पे एक बार क्लिक कर दें, जिससे कि रेशियो आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाए। अब यहाँ पे मुझे ये बनाना है तो मैं क्या रख लूं, 10 से 20KB की फोटोग्राफ होनी चाहिए मेरी, इस चीज का ध्यान रखना है। और विड्थ अपनी दोगुना होनी चाहिए किससे, हाइट से, स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं से इसे रख लेता हूँ, से चलो 260 कर लेता हूँ इसे, और इसका आधा ही होना चाहिए, इसे मैं रख लेता हूँ 130। डन है, ठीक है, यहां से मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये मेरे पास अपने आप ही ये फॉर्मेट उस हिसाब से, ये जो गोल दिख रहा है आपको ये दिख गया, लेकिन यहाँ पे अभी सेव नहीं करना, जो सिग्नेचर होना चाहिए वो इस पूरे पोर्शन में आपका खाली सिग्नेचर आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा रख लिया कि बीचों बीच आपको सिग्नेचर दिख रहा है, आगे पीछे जगह भी बची हुई है, हल्की हल्की जगह छोड़नी है, ज्यादा नहीं छोड़नी। तो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये आप मोबाइल में आराम से कर सकते हैं, इतना काम हो गया अपना। और यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वही सेव टू गैलरी करना है, गैलरी में अब ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा, गैलरी में जाऊंगा, गैलरी में यहाँ पे सिग्नेचर आ गया ये वाला, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया है। अगर मैं इसकी डिटेल्स देखता हूँ,
यहाँ पे आपके फोन में अलग अलग जगह से आप डिटेल्स देख सकते हैं, वो आपको भी पता है। देखो ये फाइल साइज कितना है, 16 KB का है, ठीक है, 10 से 20 KB की अपने को डायमेंशन चाहिए होती है, बाकी आप साइज अपने हिसाब से आगे पीछे वेरी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइन को फिर से ड्राइव पे अपलोड कर लेता हूँ। ये हमने खोल ली अपनी ड्राइव फिर से, ठीक है, मैं ड्राइव पे कर रहा हूँ, आप किसी और जगह पे भी कंप्यूटर में भेजनी है, एक तरह से आप केबल लगा के कंप्यूटर में भेज दें, या फिर मोबाइल से आप लोग फॉर्म भरेंगे ना तो मोबाइल से डायरेक्टली अपलोड कर दें, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको पीसी पे रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारे के सारे काम आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अब ये MTS का फॉर्म है, आप यहाँ पे जाएंगे चूज इमेज में, देखो साइज वही रखना है अपना, साइज वही है, ये 17 KB की फोटोग्राफ दिख रही है, डायमेंशन जो भी है यहाँ पे अपलोड करा, बिल्कुल क्लियर, आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को, आपका फिल हो गया है, चलो ठीक है, इस तरीके से आपका फोटो और सिग्नेचर का काम हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट फोटो और साइन आपका अपलोड हुआ, ठीक। बाद में एप्लीकेशन स्टेटस में देख लेना कि कहीं स्पेस वगैरह ना बचा हुआ हो, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया कैसे एप्लीकेशन स्टेटस आना चाहिए आपका, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, लगभग वैसा ही आपका आ जाएगा और आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाएगा, SSC का कोई भी भर रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, एफर्ट्स काफी लगे हैं इस वीडियो में, लेकिन बस आगे आपको दिक्कत ना आए, 5 मिनट के अंदर आप घर बैठे बैठे फोटो और साइन अपलोड कर पाए, यही इच्छा थी इस वीडियो को बनाने की, टाइम निकाला अलग से और उसमें सॉफ्टवेयर ढूंढा, क्योंकि मैं पीसी में पावर पॉइंट में जनरली बनाता हूँ, लेकिन मोबाइल ज्यादातर लोग यूज करते हैं तो मोबाइल में इजिली कैसे क्रिएट करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया। जब फॉर्म भरने के बाद आप एप्लीकेशन को प्रिंट करेंगे तो उसमें जो आपकी फोटो आनी चाहिए बिल्कुल क्लियर ऐसी आनी चाहिए, ठीक है, दूसरी फोटो पुराना है किसी एग्जाम का, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, फोटो ऐसे आएगी और नीचे साइन पूरे के पूरे आपके ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मतलब फॉर्म आपका बिल्कुल सही तरीके से भरा जा चुका है, फोटो और साइन बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक। अगर आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट आपको RBA एप्लीकेशन पे मिलेगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस्ड कंप्लीट तैयारी बेसिक टू हाई लेवल इंक्लूडिंग CGL टीयर 2 लेवल, आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा सारा का सारा, रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगी जिससे कम टाइम में आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है, ठीक है। जो कोर्स फीस है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 1199 है, अभी ऑफर चल रहा है, RB10 कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको अभी तैयारी करनी है तो आप RBA एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मैथ्स का कोर्स परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी क्लासेस होती हैं हर क्लास में ये लिखा होता है कि क्लास की ड्यूरेशन क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ उसकी PDF विद एनोटेशन मिलती है, ठीक है, खाली क्वेश्चंस के अलग PDF की, क्वेश्चन की PDF का प्रिंट निकाल लिया, सॉल्यूशन खुद अपने हैंड रिटन वीडियो के हिसाब से देख लिए, वीडियो को आप अलग अलग वीडियो क्वालिटी में देख सकते हैं, 240 480 720 अगर हम बात करें, साथ ही साथ वीडियो को 1.5x 2x जैसे यूट्यूब पे फिल्टर्स होते हैं कि स्पीड बढ़ा के देखना है कम करके, वो चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे, ये सारे फीचर्स दिखे हैं, क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको PDF मिल जाएंगी, साथ ही साथ लेटेस्ट एग्जाम्स की जो चैप्टर वाइज PDF है वो भी इस कोर्स के साथ फ्री दी जा रही है, ठीक है, GK की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, साथ ही साथ इसके अंदर जो मैथ्स सेक्शन है मैथ्स की भी CGL 2018 2019 2020 TCS के आने के बाद की टीयर 1 और टीयर 2 की टॉपिक वाइज PDFs मिल जाएंगी, इसके साथ साथ हम इसमें इंक्लूड करते जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट फेस 9 का एग्जामिनेशन हुआ उसकी PDFs पे काम चल रहा है, साथ जल्द ही उसकी सब टॉपिक वाइज मैथ्स की PDF भी अपलोड हो जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट्स की तो अपलोड कर दी गई थी GK इंग्लिश और रीजनिंग की, और अभी CGL 2021 की जैसी आंसर की आएगी उसमें भी ये सारी PDFs अपलोड की जाएंगी। तो ये जो PDF का सब्सक्रिप्शन है ये बिल्कुल फ्री है मैथ्स के कोर्स के साथ, और बहुत ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से SSC एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और टॉप पोस्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यहीं विदा लेता हूँ, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।